दोस्तों स्पेस फोर्स यानी अंतरिक्ष की सेना जो सुनने पर किसी स्टार वार के मूवी के जैसे लगता है, लेकिन ये अन्य सेना नेवी एयरफोर्स और आर्मी के जैसे सेना का एक अंग होता है। और दोस्तों किसी स्पेस फोर्स का प्रमुख काम देश की अंतरिक्ष से होने वाला खतरा या नुकसान को निपटना है। 20वीं शताब्दी में यानी आज के युग में हर देश धरती से ज्यादा अंतरिक्ष के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। इसी मामले में भारत की ओर देखें तो स्पेस में भारत का असेट्स यानी संपत्ति जो सैटेलाइट के रूप में कई हजारों करोड़ रुपए में मौजूद है। चाइना जैसे देश स्पेस को भी मिलिटराइजेशन करने लगे हैं, जिससे आने वाले भविष्य में भारत को गंभीर खतरा हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पेस फोर्स काम कैसे करता है और क्यों एक स्पेस फोर्स सेना में जरूरी होता है, और तो और भारत के अंतरिक्ष सेना के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, जानने और समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानेंगे स्पेस फोर्स का भारतीय सेना में जरूरत कितना है। आपको शायद एहसास ना हो कि सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। जैसे हमारे भारत में नेविगेशन के चलते नाविक और मौसम का जानकारी के चलते इनसैट, और ऐसे भी सेना के स्वतंत्र सैटेलाइट होते हैं जो हमारे देश के सीमा में नजर रखने के साथ साथ दुश्मन देश के गतिविधि के ऊपर नजर रखते हैं, ताकि किसी भी खतरा को पहले से भाप सके। और धीरे धीरे हमारे देश की प्राइवेट कंपनी जैसे स्काईरूट, अनिकुल और बैलेट्रिक्स अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे आ रही हैं, और दिन पे दिन स्पेस इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। एक आकलन के अनुसार 2026 तक ये स्पेस इंडस्ट्री 558 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। चाइना जैसे देश बहुत पहले से ही स्पेस फोर्स का गठन कर चुके हैं, जिसका नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है। इन चाइनीज फोर्स को स्वतंत्र रूप से चाइना साइबर वॉरफेयर, एंटी सैटेलाइट सिस्टम और भी बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण दे रहा है जो अन्य देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे किसी युद्ध के समय चाइना अन्य देशों के साथ साइबर वॉरफेयर कर यानी अन्य देशों के सैटेलाइट को हैकिंग कर पूरे डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर भारत को कोई मिसाइल लॉन्च करना पड़े और मिसाइल को गाइडेड करने के चलते कोई सैटेलाइट ही नहीं हो, तो फिर पूरी की पूरी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही नाकाम हो जाएगी, और भारत दुश्मन सेना के गतिविधि के ऊपर भी नजर नहीं रख पाएगा। सिर्फ उतना ही नहीं, चाइना अब ऐसे सैटेलाइट को डेवलप करने लगा है जिसमें लेजर सिस्टम हो, जिसको चाइना अंतरिक्ष में डिप्लॉय करने वाला है, और ये स्पेस में मौजूद किसी भी सैटेलाइट को टारगेट कर उसको निस्तेनाबूद कर सकता है। और दूसरा खतरा है एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रहों का, जिसके चलते स्पेस फोर्स का जरूरत महसूस होता है। क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख सकते हो कई एस्ट्रॉइड हमारे धरती के पास से ही गुजरी है, जिससे लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट और हमारे धरती को खतरा हो सकता है। आपको तो पता ही होगा कई हजारों साल पहले कैसे एक एस्ट्रॉइड के टकराने से डायनासोरों का खात्मा हो गया था। इस तरीके के खतरों से निपटने के लिए कई देश अपने स्पेस फोर्स को मजबूत करने लगे हैं, जैसे अमेरिका की स्पेस फोर्स जो एस्ट्रॉइड क्रैश टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, जिसमें एस्ट्रॉइड आते ही उसको अन्य स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से क्रैश करके एस्ट्रॉइड के खतरा को टाल सके। इसी आवश्यकता को देखते हुए सभी बड़े बड़े देशों के पास अपना अपना स्पेस फोर्स मौजूद है, जैसे जापान के पास जॉइंट स्पेस कमांड, रशिया के पास रशियन स्पेस फोर्स, और भारत के पास भी अपना स्पेस फोर्स मौजूद है जिसका नाम है डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA को सितंबर 2018 में गठन किया गया था, जिसका मुख्य काम है हमारे देश के असेट्स जो स्पेस में मौजूद है उसको सुरक्षा देना, और ये सभी प्रकार के स्पेस से जुड़ी डिफेंस के ऊपर नजर रखता है। हमारी स्पेस फोर्स का उपलब्धि के बारे में बात करें तो हमारे पास युद्ध के समय एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद है। दुश्मन के सैटेलाइट जो धरती के निचली कक्षा में मौजूद होंगे उनको ये आसानी से निशाना बना सकता है। दोस्तों अगर पूरी दुनिया की स्पेस फोर्स का कंपैरिजन करें तो कैपेबिलिटीज के मामले में चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि साइबर वॉरफेयर या सैटेलाइट हैकिंग के मामले में ये स्पेस फोर्स पूरी माहिर है। वहीं अगर भारत की ओर देखें तो भारत इस क्षेत्र में कदम रख ही रहा है। चाइना सभी प्रमुख सेना से जैसे वायुसेना, नौसेना और स्थल सेना से अंतरिक्ष सेना में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। सिर्फ चाइना के स्पेस फोर्स में 1 लाख से ज्यादा आर्मी पर्सनल मौजूद हैं, जिसको आप हैकर आर्मी भी बोल सकते हो। आगे जाकर हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जमीन, आसमान और जल के बाद हमारा अंतरिक्ष भी रणभूमि में तब्दील हो। अगर इस तरीके का कभी अंतरिक्ष में युद्ध होता है तो भयानक तबाही देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग कई सालों पीछे चले जाएंगे, क्योंकि तब सभी कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट बर्बाद हो चुके होंगे। और सबसे बड़ा और अहम बात, ऐसी अंतरिक्ष में युद्ध की वजह से
बहुत ज्यादा परिमाण में स्पेस डिब्री अंतरिक्ष के निचली कक्षा में फैल जाएगा, जिससे भविष्य में सैटेलाइट लॉन्च हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन डिब्रीज की वजह से स्पेस क्राफ्ट क्रैश होने का डर हमेशा बना रहेगा। आगे जाकर अंतरिक्ष में कभी इस तरीके का युद्ध ना हो, जिसके चलते न्यूक्लियर ट्रीटी की जैसे कोई रूल जरूर बनाई जाएंगी, जिससे और नए देश इस तरीके के एंटी सैटेलाइट और साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को डेवलप ना कर सकें। दोस्तों, अलग वीडियो में हम लोग स्पेस डिब्री के बारे में जानेंगे और आपको किस टाइप का वीडियो देखना पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त करते हैं।